हेलो फ्रेंड्स, पूनम से अम्मी रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चटपटा चीज़ गार्लिक मसाला पाव और उसे हम मेयोनीज के साथ सर्व करेंगे। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है, उसमें 1 टीस्पून जीरा डाला है। जीरा तड़केगा उसके बाद हम 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन डालेंगे और लहसुन को हम थोड़ा सॉटे कर लेंगे। दो बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ कैप्सिकम ऐड डाल करेंगे और उसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। बीच बीच में हम इस सब्जियों को मैश करते रहेंगे ताकि वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, ये रेसिपी की पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब हम इसमें 3 कद्दूकस किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे और कैप्सिकम और प्याज के साथ अच्छे से मिला लेंगे। ¼ कप उबले हुए मटर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये सब्जियों को हम ढककर 2 मिनट तक पका लेंगे। सब्जियाँ पक गई है थोड़ी। देखो फ्रेंड्स, बीच बीच में हम मैश करते रहेंगे। अब एक एक करके इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर। अब ये मसाले को हम प्याज, कैप्सिकम और टमाटर में अच्छे से मिला लेंगे और पकने देंगे। ये सारी प्रोसेस हमें मीडियम आंच पर करनी है। अब हम इसमें 1/4 कप पानी मिला लेंगे ताकि हमारे मसाले जले भी नहीं और ये मसाला हमें ड्राई नहीं रखना है, हमें इसे सेमी थिक रखना है। ये मसाले वापस हम 2 मिनट तक ढक के पका लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे।
बटर को भी इस मसाले के साथ हम अच्छे से मिला लेंगे और मैश करते रहेंगे। लास्ट में हम 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। हमारा ये मसाला रेडी हो चुका है। लास्ट में बारीक कटा हुआ धनिया डाल के ऐड कर लेंगे। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। मैंने ये गार्लिक बटर और बारीक कटा हुआ धनिया डाल के पेस्ट रेडी कर लिया है। एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाल के पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है और हम पाव लेंगे। पाव पे मैंने गार्लिक बटर लगा दिया है। और थोड़ा गार्लिक बटर हम पैन में डालेंगे और जिस साइड हमने गार्लिक बटर लगाया वो साइड हम थोड़ा पकने के लिए पैन में रखेंगे ताकि हमारा पाव अच्छे से सीख भी जाए और गार्लिक का कच्चापन भी निकल जाएगा। और ऊपर की साइड भी हम गार्लिक बटर लगा लेंगे। सब जगह अच्छे से लगा लेंगे ताकि कोई भी साइड हमारी छूट ना जाए। नीचे से हमारा पाव सीख गया है। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे। नीचे की साइड से भी हम पाव को थोड़ा सीखने देंगे और लहसुन का कच्चापन भी थोड़ा निकाल लेंगे। वापस हम पाव को टर्न कर लेंगे और हमने जो मसाला रेडी किया है वो मसाला हम पाव पे लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमने जो मसाला रेडी किया है वो हम पाव पे थोड़ा ज़्यादा ही लगाएंगे। अब हम इस पे चीज़ डालेंगे। चीज़ फ्रेंड्स, आप चीज़ आपके अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। लास्ट में हम चिली फ्लेक्स डालेंगे और हमारा मसाला पाव रेडी हो चुका है।